यहाँ पे बन रहा है बैगन का चोखा, क्योंकि आज बनेगा लिट्टी चोखा, है ना? हाँ, तुम्हारी मम्मी बनाएगी लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मेरा काम खत्म। ये वर्ता किसका है बताओ? बहन। तुम थोड़ा हेल्दी हो गई, ऊपर से नीचे दो बार तीन बार जाओ उतरो, एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन करती नहीं है। हम इसलिए शॉपिंग करने जाएंगे, सोचेंगे कोई करा दे। अगर बहुत मन है, समधी के इंतजार में है, समधी हमारी बहुत इंतजार में है। चोखा भी उतना शानदार, लिट्टी भी बहुत शानदार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और इस समय हम पहने हुए हैं स्वेटर। हालांकि मौसम जो है अब थोड़ा सा मौसम में सुधार आ रहा है, लेकिन हमारी तबीयत लग रही है थोड़ी खराब हो गई है, तो इस वजह से जो थोड़ा परहेज से ही रह रहे हैं, क्योंकि आखिरी समय में ही देखते ज्यादातर लोग सब बीमार पड़ते हैं। और फिलहाल हमारी मौसी सब है और मम्मी सब है, यहाँ पर अच्छा खासा समीक्षा हो रहा है, ज्वेलरी से लेकर के कपड़ा से लेकर के ना जाने शादी ब्याह हर तरह का यहाँ पर समीक्षा हुआ। जब भी मैं तुम्हारे डैडी के पास जाती हूँ, मुझे कहते हैं तुम्हारे तीनों बहन का जो जो दस्तर पर वार्ता होती है, लगता है उस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए तुम इस रूम में आई है। और से हम लोग सब परिवार अभी स्वेटर में है। आप लोग भी पहनिए कि जिस समय जारा कम होता है या जिस समय जारा शुरू होता है, इसी में मेन होली के बाद ही कहा जा सकता है कि हाँ जारा खत्म है। एक बात सुनो ना, जब तुम पैदा हुआ ना तो दीदी का दरमा नहीं मिलता था, तो हमको ये बाली गछी कदर पारा में बाली देखे। जब सैलरी मिल जाएगा, सारा सैलरी मिला, जमीन खरीदा, दो मंजिला हो गया, वो जो हमको नहीं मिला तुमको गिफ्ट था, गिफ्ट तो मिला। अरे वो तुम शादी में न बोली, जब शादी में एक बात सुन, हमारी तीनों बहन की जितनी भी बुराई करी, झुमका गछी थी, झुमका सारी दुनिया के प्यार एक तरफ, मेरी तीनों बहन की प्यार क्या, मेरा भाई एक तरफ पीछे है, भी प्यार है, लेकिन इस प्यार से बाली का क्या तुलना। जो बाली को तो रहे कि तीनों बहन में तीन बहन का इकलौता भाई और विंध्यसी ठाकुर के खानदान का वारिस, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करते ता उम्र मेरा भाई भतीजा जिए, भूले भटके भी हम लोग को याद। हाँ, भतीजा खिलखिलाते रहे, निशान हमारी इसलिए रहे, भाई की जकास रहे, बिंदास रहे, गोरखपुर से भी तीन बेटा है हमको, हम दोनों बाल लेके आएंगे तब हम लोग उनके पास। हमको तीन बेटा है, एक तो किशन, एक तो सोनू जिसको आप लोग शाश्वत कहते हैं, और मोनू, एक तो पोती है जो हर हमेशा बीमारी रहती है। आप पोता को तो देखिए रहे हैं जो कितना चुलबुल, कितना नटखट है। दो नाती हम लोग पूरा खुश रहते हैं। दो नाती है जो दिल्ली में रहता है, एक तो 10 साल का बड़ा है, एक तो 10 साल का छोटा, 10 साल का छोटा है ना गति, वो तो क्या लाजवाब मेरा नाती है, क्यूट है। हमारे पोता का है को नहीं जानता है जग में, पोता तो मेरा बहुत नटखट है। और एक स्पेशल बात है, जितने हम लोग चारों भाई उसमें सबसे ये तो जगत का लोग जानता है। अगर कमजोर कोई रहता है उसका आजकल के दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। आप दमंग रहिए, स्वस्थ रहिए, आपसे सब डर के रहेगा। नहीं तो अपना हक लोग को छीन के लेना पड़ता है, नहीं तो अमूरी दबा करके ये लोग खाना नहीं देता है। बिल्कुल जी, सही हक कहाँ से देगा। सही बात है जी, तो कुछ ऐसी स्थिति है, तो आप लोगों ने देख लिया जब तीनों बहन एक साथ आती है तो इस तरह का माहौल बनता है। आज जब तक हमको इस बार वो जो झुमका गच्छी है तब तक नहीं देगी, हम कटिहार से हिलने वाला है, चाहे मेरा काम हो या नहीं। यहाँ पे बन रहा है बैगन का चोखा, क्योंकि आज बनेगा लिट्टी चोखा, है ना? तो आज मम्मी बनाने वाली है बहन वाला चोखा। इस बहन के पीछे का बहुत बड़ा राज है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हाँ, मम्मी बैगन काट रही हैं। इसमें बैगन देंगे, हाँ, आलू काट के, हाँ, और टमाटर, हाँ, तीनों मिला के पहले हल्का सा आपको दिखाएंगे। अभी ये बता दीजिएगा फिर कैसे लोग देखेंगे। हाँ, बात भी सही है। अगर आपको देखना ये रेसिपी तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तभी देख के भाग जाएंगे, सब बना लेंगे। इधर जी प्याज सब कट रहा है, क्या बनना है जो आज इतना सारा प्याज कट रहा है? लिट्टी। अच्छा, लिट्टी भी चोखा। अच्छा, इसलिए इतना भाई चोखा, जो बैगन नहीं खाता वो भी चोखा खाता है। और उधर क्रियांश जो है अपना खा रहे मुड़ी, एक लगा भी हुआ है वहाँ पर, मुँह में लगा भी हुआ है, बैगन में अगर एक दो को पिल्लू उसमें होगा उसको कौन देखेगा? बिल्कुल नहीं, वो देख लिया, सब काटी हुई है बैगन, काट के दिया, काट के बंदा है, कोई नहीं खा लिया। अरे उसमें तो हाथ पैर है तो यहाँ पे आलू उबल चुका है, अब क्या कीजिएगा? आलू इसलिए इसमें हमें उबालना पड़ा है कि शुगर के पेशेंट के लिए नमक डाल के अगर आलू उबाल लिया जाता है, हाँ, उसके बाद चोखा में मिलाओ तो कहता है कि शुगर नुकसान नहीं पड़ता है,
इसलिए उबालना पड़ा, नहीं तो इसको साथ में ही मिक्स करके हम सीटी लगाते हैं। हाँ। तो अभी अलग से सीटी लगाया जाएगा इसको। हाँ। तो यहाँ कुकर गर्म हो चुका है, इसमें डाला जाएगा तेल, है ना हमें? हाँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा सरसों का तेल डालेंगे इसमें। देख सकते हैं बहुत कम डाला है मम्मी ने, मिर्ची प्याज। हाँ, ये देख सकते हैं। उसके बाद तुम्हारी मम्मी बनाएगी लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मेरा काम खत्म, जिसको बाटी चोखा भी कहा जाता है। हाँ। वही आज मैं बना रही हूँ, उसे नंसी बनाती थी, अब मैं बना रही हूँ। हाँ। मम्मी के हाथ का मुझे दाल पूरी अच्छा लगता है। एक रोज मैं दाल पूरी भी बनाऊंगी, ये तो आपको पता है मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है हमको। वही खाए थे सुबह में, क्रियांश हो गया, क्रियांश हो गया था, वही खा के जब मैं आती हूँ तब ये दाल पूरी बनवाती है मुझसे और खाती है। हाँ। लेकिन लास्ट टाइम नहीं खाए थे, इस बार भी दिल्ली गए थे। मैं अब सीख रही, इस बार बना के खिला के फिर इसको सिखा दूंगी की मैं पूरी भी तोड़ रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्रियांश की मेहंदी, दिखाओ मेहंदी, दिखाओ अपनी, जो कि क्रियांश ने खुद से मेहंदी लगाया है। इतना सुंदर मेहंदी लगाया है क्रियांश ने पूरे हाथों में। क्रियांश कितना अच्छा मेहंदी लगाया है तुमने हाथों में, बहुत सुंदर मेहंदी, बहुत सुंदर, एक नंबर। और इसमें अब डाला जाएगा टमाटर, है ना? आलू भी डालती तो आलू के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं, आलू उबल चुका है, नहीं तो साथ में ही आप उबाल सकते हैं। हाँ, इसको उबाल लीजिए। दो सीटी लगने तक छोड़ेंगे, उसके बाद ये पक जाएगा, उसके बाद इसको निकाल करके फिर बनाएंगे आप लोग के सामने होगा। ठीक है। तो यहाँ पे है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और क्या है, लहसुन, अदरक, टमाटर, अदरक और टमाटर जो मम्मी ने उबाला था उसको अच्छे से मम्मी ने, ये देख सकते हैं, मैश कर लिया है और इसमें डाल दिया है तेल तलने के लिए ना। हाँ। लिट्टी तलने के लिए, तला हुआ लिट्टी बनेगा, और इसको इसमें मिला देंगे। ये बर्ता किसका है बताओ? बहन हमारी एक दीदी है जिनको दीदी बहन कहती है, तो वही बनाती थी, उन्हीं से दीदी ने सीखा और उसके बाद हम लोगों ने सीख लिया दीदी से। वो सीक्रेट वाला चोखा था, बताना नहीं चाहती थी रेसिपी, बट दीदी हमारी पूछ ही ली गई थी क्योंकि वो बनाती थी तो हम लोगों को ला करके देती थी दिल्ली में खाने के लिए ना मम्मी। अच्छा, गौरी बनाती। हाँ। सही बात, बहन हमें भी याद आ गया। हाँ। गौरी अगर देखती होगी तो गौरी को भी पता लगा आज उसका चोखा हम लोग ने चुरा लिया। ये आपको देखने में लग रहा है कि बहुत सिंपल तरीके से बनाएगा, लेकिन जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमारे घर में बैगन जो भी जेंट्स लोग हैं कोई भी नहीं खाते हैं, बट ये चोखा जरूर खाते हैं। और ये जो है ना लिट्टी का तैयार हो रहा है, इसमें है सत्तू, नमक, अभी तक अचार का मसाला, नींबू का रस, धनिया का पत्ता, लहसुन, प्याज, अदरक। हाँ, ये तैयार हो गया है चोखा, बस मिलाना है इसको। टाइप करो दीदी, हमको फोन किया है ऊपर से, हम देख रहे थे सीरियल की आदमी का काम है तो अब हरने में काम हो, इसलिए तो मैं बुलाई हूँ। वो बीमार है तो हमको वो कौन सा वक्त, अब तीनों बहन आजकल धीरे धीरे बीमार है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरी बहन ने अपने बहू तो करने ही नहीं देती है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ। लेकिन मैं हम लोग जबरदस्ती कर लेते हैं, उसको तो डांट के निकाल देती है। हाँ। कोई मुझे नहीं करने देती है, आपको भी नहीं करने देती है। नहीं कहती, मैं खुद करूँ। अड़ोस पड़ोस में कहेगा इनकी बहू तो काम ही नहीं करती है, अरे करने देगी, हम लोग तो जबरदस्ती कर लेते हैं। हम लोग भी टनक के बोलते करने देगी तब तो करूंगी। कहते तू रुको, अभी 30 आदमी का खाना मैं स्वयं बना सकती हूँ। अरे बनाओ, कल से कर चले गए ऊपर में टीवी देख, ब्लाउज सिल दो, एक पेटीकोट सिल दो, कपड़े निकाल के देती नहीं बात है। बात कम करो, और कहेगी क्या, और कहेगी क्या, जो कि तुम लोग आए यहाँ बात करने के लिए, हमको क्या बोली ये 20 रुपया माछा फर्श लगा लेता। हम बोले हम जैसा लगा देंगे, 50 रुपया हमने लगा, लेकिन निकाल के नहीं देती है तो लगाऊंगी क्या। लाओ लाओ भरती हूँ, ये लो आटा, इसको हम बुलाया। तो यहाँ पे मम्मी लिट्टी को भर रही है इसके अंदर, और मेरी बहन बोली है लिट्टी तो बिल्कुल गोल गोल होता है, लेकिन मेरी बहन का है जो तुम उसको थोड़ा सा कचौड़ी शेप दे दो, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं दे रही हूँ, दोनों के बीच में रख रही हूँ कि दोनों का बात रह जाए। मैं इसे बोलती हूँ जो तुम थोड़ा हेल्दी हो गई, ऊपर से नीचे 2-3 बार जाओ उतरो, एक्सरसाइज हो जाएगा, लेकिन करती नहीं है। तो कल हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए एकदम सुबह सुबह।
हम इसलिए शॉपिंग करने जाएंगे, सोचेंगे कोई करा दे अगर विदाउट मनी विदाउट मनी तब क्या, तब मजा आ जाएगा सबको कराएंगे। दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तबीयत थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है, इसका पूरा ठीक है, जाने का पूरा मन है। जाने का मन है कि बहन इतना प्रेम से बुलाई है हमको, बहन बेटी जाने कैसे नहीं जाए, बहुत मन है, समधी के इंतजार में है, समधी हमारी बहुत इंतजार में है, उनको अभी तक पता भी नहीं है जो कि हम जाएंगे उनके यहाँ। ई समधीन का इंतजार करती है, अब मैं समधी का इंतजार करती हूँ। की कहते हैं तोरा वकील साहब, बुझलिए सुनी रहा की कहलिए से सुनी, कल कह के तू तो अलग ओतः पेथी में रंग बिरंग अभ्यास सब रह ओत सा आ तब तो वकील साहब के फेर में था, हम कहलिए किया अहाँ हमारा मिस करे छी कि सुनू अहाँ की कहे कि अंति तू कथी कहे छी करी, हम कहलिए हाय जानू कहे बांगर खाल कहलिए जानू कहलके कि लाइ छौ तू कुछ विशेष पावर भए गेल कढ़ाई देख करके आप लोग घबराना मत, क्योंकि मैं इसको बाद में साफ करूंगी। ये तलने वाला ही कढ़ाई है ना, तो इसलिए ऐसा काला काला, लेकिन इसको मैं साफ इस बार कर लूंगी बहुत अच्छे से, फिर आप देखेंगे, फिर ऐसा तो कढ़ाई आपने देखा, फिर अब देखेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी इसी बहाना तो कम से कम तुम्हारे जब मैं किस चीज से साफ करूंगी और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से साफ करने की बात बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार बन चुका है और इधर बन रहा है कुछ तो, और इधर हमारा चोखा भी बहुत अच्छे से मैश हो चुका है, तो हम देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। A few moments later. बज रहे हैं जी रात के 9:15 और इस समय जो हमारा खाना लग गया और खाने में है जी लिट्टी चोखा, तो सभी लोग खाते हैं, पापा और हमारे मौसा जी वो सभी बैठ चुके हैं, तो चलते हैं खाते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव खा रहे, कैसा लगा आपको? मजा आ गया, चोखा भी उतना शानदार, लिट्टी भी बहुत शानदार, जबकि ये बैगन खाते नहीं है लेकिन ये चोखा बहुत अच्छा लगता है, बैगन डाल देना, बिल्कुल बैगन पसंद नहीं है लेकिन चोखा एकदम मस्त, बैगन का ज्यादा स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें, आलू का भी स्वाद आ रहा है, आलू भी है इसीलिए उससे बेसी स्वादिष्ट इसका डिब्बा। मेरे पोता को भगवान की दया से ना खिलौने की कमी है ना कपड़े की कमी है, लेकिन फिर भी लेकिन मेरे पोता का आप लोग खिलौना देख लीजिए, डब्बा पेंट वाला खेलता है, टूटा हुआ बर्तन से खेलता है, झगड़ा सूप झाड़ू से इस बात में इसके अंदर बॉल रखा है, स्केच पेन से पूरा हाथ में लगा लिया ना, पूरा मेहंदी बनाया है और हमको दिखा के कार के नीचे घुसता है कि देखो तुम्हारा डबा ले हम चले ताकि डांटे। हाँ गुंजी हो गई है टुंटो, ये खाओ खाओ आ मिलो आ आ आ आ खा, वाह 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 वाह। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं क्रियांश क्या खाता है, क्रियांश कुछ नहीं खाता, क्रियांश कुछ भी नहीं खाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत सब कुछ खाता है, नहीं तो हम लोग जो खाते हैं सब खिलाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाता है, कि एक बार से दो बार क्रियांश नहीं खाता। कल कद्दू की सब्जी खाए, खाया क्रियांश और आज नहीं खाएगा। आप लोग सब दुआ कीजिए जो क्रियांश स्वस्थ और चिरंजीवी रहे, और करते ही है, हम कमेंट तो पढ़ते हैं कभी, आप लोग हमेशा बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। जानते हो मम्मी बोली जो हम चोखा बनाएंगे, लेकिन इसमें साझेदारी मेरी भी थी, सारा हम ही बेले मम्मी क्रेडिट नहीं दे रही है, तो आंटी पहले बोलती हम ही बेले यही बेली है, उसमें मसाला यही डाली है जो हकीकत है, बेलने का कार्यक्रम हम किए, इसमें क्रेडिट का कोई बात नहीं, नहीं आने का मतलब ये बोली कुछ खिलाएंगे, क्या खिलाएगी क्योंकि खिलाने का मन नहीं है, इसको आज करने का मन है, ऊपर चली गई बहन, हम तीन बार जाकर बुला के ले ही तीन बार गई या चार बार फोन की, हमको आता नहीं था तुम सही।